रोहतासगढ़ किले के पास में ही दोस्तों आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्राचीन मकबरा है, जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही ये सब मकबरे का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक चीजें मिल रही हैं, देख सकते हैं, और काफी प्राचीन ये मकबरा है, जो कि ये मकबरा भी खंडहर की स्थिति में बनता जा रहा है। इसके आसपास ऐसे ही बहुत सारी प्राचीन इमारत पूरी बिखरी पड़ी हुई है। तो आइए आपको ये अंदर से चल के दिखाते हैं कैसा है ये मकबरा। हालांकि आज के वर्तमान समय में ये मकबरा पूरी तरह से खंडहर की स्थिति में है। तो आइए हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कैसा मकबरा है। बहुत सारे यहाँ पर प्राचीन प्राचीन धरोहर बिखरी पड़ी हुई है, और अफसोस तो इस बात का है कि रखरखाव न होने की वजह से ऐसी ऐसी बहुत सारी प्राचीन धरोहर आज खंडहर की स्थिति में बनती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगाया गया है। जिस तरह से पुरातत्व विभाग का बोर्ड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, उसी तरह ये मकबरा भी। तो आइए हम मकबरे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये मकबरा। मकबरे की बनावट शैली बहुत ही शानदार है, लेकिन खंडहर होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये मकबरा किनका है, किस राजा का था। और देख सकते हैं मकबरे की बनावट शैली बहुत ही शानदार है, और ये मकबरे के अंदर आप देखेंगे दोस्तों तो इसको लोगों ने इसको घेर दिया है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें देख सकते हैं दोस्तों इस ऐतिहासिक मकबरे के अंदर इसमें पशु भी बांधे गए हैं, जो कि ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक हमारे देश की धरोहर है, और इस मकबरे के अंदर अगर ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो ये सही चीज़ नहीं है। इस ऐतिहासिक चीज़ को संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। ये मकबरा बहुत ही प्राचीन मकबरा है, और किस राजा का यह मकबरा है मेरे लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें मकबरा सब है, ये सब शेरशाह सूरी के ज़माने में ही इन सारे मकबरों का निर्माण कराया गया था। क्योंकि शेरशाह सूरी जब रोहतासगढ़ किले पर शासन किए, तो उनके दरमियान जो भी उनके कार्यकाल में सैनिक काम करते थे, तो जो शहीद हो जाते थे, जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी, तो उनका मकबरा यहाँ पर बनवाया जाता था। तो देख सकते हैं ये है मकबरा। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते कि किनका मकबरा है, लेकिन मकबरे की बनावट शैली आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। लेकिन अफसोस कि समय के साथ ये मकबरा एकदम ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, और इन सारी चीज़ों को संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर पशु बांधा गया है, इसको यहाँ पर नहीं बांधना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है और इसे बचाना भी हम सबका ही दायित्व बनता है। तो आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार को, पुरातत्व विभाग को यहाँ पर गंभीरता से सोचना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों मकबरा बहुत ही शानदार है, लेकिन समय के साथ ये मकबरा भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। अफसोस कि मकबरा देखकर मुझे भी बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि जैसा मैं मकबरा देखता था वैसा ये है नहीं। पूरी तरह से ये देख सकते हैं पूरा खंडहर की स्थिति में ये सब बनता जा रहा है। तो आइए अब बाहर चलते हैं, बाहर चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके आसपास भी देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर छोटे बड़े महल, और यहाँ पर बहुत सारे गुंबद भी हैं छोटे छोटे। तो ये किनका मकबरा है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं इसे बचाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब एक धरोहर है और धरोहर को बचाना भी हम सबका ही दायित्व बनता है। ये आप देख सकते हैं रोहतासगढ़ किले का ये बाउंड्री भी पूरी तरह से ढहने की कगार पर है। मकबरे पर जो इनका पत्थर, इनके पत्थरों पर नक्काशी भी बहुत ही सुंदर सुंदर की गई है, और एक तरफ आप देख सकते हैं ये बाहर निकलने का ये रास्ता है। तो आइए हम इसके बाहर चलते हैं और बाहर चल के देखते हैं और क्या क्या है। हालांकि इस रास्ते को तो बंद कर दिया गया है, तो आइए आगे से चलते हैं। बहुत तकलीफ होता है दोस्तों कि ऐसी ऐसी इमारत आज के वर्तमान समय में खंडहर होती जा रही है, आखिर इससे बचाया क्यों नहीं जा रहा है, क्यों आखिर ऐसी ऐसी प्राचीन धरोहरों को ऐसे ही इसको हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। अगर इसे संरक्षण दिया जाए तो आज भी इसे बचाया जा सकता है, लेकिन संरक्षण न होने की वजह से ये सब खंडहर की स्थिति में बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं जो रोहतासगढ़ किले की ये जो बाउंड्री है, ये सब भी पूरी तरह से ढहने की कगार पर पहुँच चुकी है, जो कि
इसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें इस किले में है आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इस किले में दिखाएंगे। तो आइए हम चलते हैं। इस वाले मकबरे से आप जैसे ही बाहर आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं एक और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक मकबरा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम राजाओं का यहाँ पर मकबरा भी है इस किले के अंदर, क्योंकि इस किले पर राजा रोहितासो से लेकर शेरशाह सूरी तक राजाओं ने इस पर शासन किया, इसीलिए यहाँ पर मंदिर और मकबरा दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो आइए हम चलते हैं और आपको ये मकबरा भी दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके चारों तरफ बहुत सारे यहाँ पर धरोहर पूरा बिखरी पड़ी हुई है। इसके हर एंगल में आप देखेंगे तो आपको हर तरफ कुछ न कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये भी एक मकबरा है जो कि पूरी तरह से ये खंडहर हो गया है। हम नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि इस मकबरे में क्या है। समय के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर ढहती जा रही है और गवर्नमेंट को और पुरातत्व विभाग को संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं और इसे बचाना भी बहुत ही ज़रूरी है। देख सकते हैं दोस्तों ये मकबरा भी पूरी तरह से खंडहर बनता जा रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है दोस्तों। ऐसी ऐसी खूबसूरत इमारतों को देखकर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फारसी भाषा में लिखा गया है और मेरे लिए तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या लिखा गया है, लेकिन इनके पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। जल्दी ऐसी नक्काशी कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और ये लोहे की जाली जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया है, लेकिन आप जैसे ही इसके अंदर घुसेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको पूरा जो पशु है पशुओं का आपका सिर्फ यहाँ पर गोबर मिलेगा, पूरा गोबर से पूरा मकबरा पूरा पटा हुआ है दोस्तों। आप जब इस पर चढ़ेंगे तो आपको जाने लायक भी नहीं रहेगा, आपका पैर धंस जाएगा। देख सकते हैं बड़ा अफसोस हो रहा है इस मकबरे को देखकर, और मुझे तो सोचकर भी बड़ा हैरानी हो रही है कि आखिर पुरातत्व विभाग और बिहार सरकार कर क्या रही है, आखिर क्यों ऐसी ऐसी इमारत को ऐसे ही इसको खंडहर होते देख रही है, आखिर क्यों इसको संरक्षण नहीं दे रही है, आखिर क्या वजह है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं ऐसा पहली जगह देख रहा हूँ जो कि इतना खराब स्थिति में मकबरे का दशा है, और मेरा ऐसा मानना है कि इन सारी चीज़ों को संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। ये मकबरा जितना सुंदर है उतनी अच्छी ढंग से अगर रखरखाव अगर हुआ होता तो शायद ये मकबरा भी आज लोगों के लिए एक मिसाल बना होता। सिर्फ ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ों को पुरातत्व विभाग संरक्षण देती है ये सही चीज़ नहीं है। आप रोहतासगढ़ के पहाड़ पर आइए, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्राचीन धरोहर है, आप इसे भी संरक्षण करिए ताकि लोग भी यहाँ पर आए, यहाँ के इतिहास को जाने और समझे कि आखिर रोहतासगढ़ किला क्या चीज़ है, कितना दूर में फैला हुआ है, यहाँ का इतिहास क्या है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर यहाँ पर आएगा उसको ऐसे ही मिलेगी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई गोबर, तो शायद हर किसी को देखकर यह तकलीफ होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को और पुरातत्व विभाग को कदम उठाने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं इसके हर तरफ यहाँ पर पूरी इमारत यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई है, इसके चारों तरफ आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोहतासगढ़ का किला कितना दूर में पूरा फैला हुआ है। पूरे 40 किलोमीटर के दायरे में आपको हर कुछ न कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, मंदिर हो चाहे मकबरा हो चाहे किला हो चाहे महल हो चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बहुत सारी धरोहर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे धरोहर इसके आसपास पूरे बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक दरवाज़ा और है जो कि कहाँ जाता है ये तो आगे जाने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, हम चलेंगे और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं और आगे चल के आपको एक रोहतासन टेम्पल है जिसे चौरासन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ भी चल के आपको दिखाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा।